वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, अपने जो लर्न द कार्स स्कैनिंग और फोर्स कोड का जो सीजन चल रहा है उसके अंदर ये पांचवा लेक्चर है। इसके अंदर आज हम जानेंगे कि फोर्स कोड क्या होता है और डीटीसी कोड क्या होता है। तो उससे पहले अगर आप यहां पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। चलो इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डीटीसी कोड क्या होता है और फोर्स कोड क्या होता है। तो दोस्तों, ये दोनों सीजन सेम है। जो फोर्स कोड होता है वही डीटीसी कोड होता है। ये दोनों बोलते अलग है पर ध्यान दोनों एक ही। तो होता क्या है, जब कभी भी कार के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम आता है, तो क्या होता है, वो अपने डैशबोर्ड पे जो माल फंक्शन लाइट शो करता है तो हमें पता चलता है कि अपने व्हीकल में कोई प्रॉब्लम है। तो लाइट के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई फॉल्ट है। तो उसके लाइट के बारे में हमने पहले वीडियो बना चुका है कि कौन सा लाइट होती है और कौन सा फॉल्ट कोड शो करती है। तो दोस्तों, अब हमें क्या वो करना है, वो स्पेसिफिक फॉल्ट किस चीज के है उसे जानने के लिए हम कार को स्कैन करेंगे। तो दोस्तों, वो स्कैनिंग भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या होता है कि जब हम कार को स्कैन करते हैं तो क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक कोड दिखाता है हमें कि वो कोड के रूप में एक फॉल्ट होता है जो कार के अंदर मौजूद होता है। तो वो जो फॉल्ट होता है उसे कोड के रूप में हमें दिखाया जाता है कि ये कार के अंदर यह फॉल्ट है, इसका कोड यह है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड लिखा है P031। इस तरह का कोई भी कोड है कार के जो स्कैनर के अंदर शो करेगा, जो दिखाएगा कि कार के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए इस तरह का कोई कोड आपको शो होता है तो वो होता है फॉल्ट कोड। तो ये फॉल्ट कोड को हम जाने कैसे, इसके बारे में हमें पता कैसे चले कि क्या बता रहा है, तो उसका भी एक मेथड होता है। आप इसे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो और इसे हम आज डिवाइड करके समझेंगे कि कौन सा फॉल्ट कोड आता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। इस तरह से कोई भी फॉल्ट कोड आपको शो करेगा तो उसमें इस तरह से चार लेटर रहेंगे। दोस्तों, चार लेटर रहेंगे, उसमें से सबसे पहला होता है वो दोस्तों सबसे पहला जो फॉल्ट रहता है वो रहता है ये भी सीरीज के फॉर्म में, या तो वो पी हो सकता है, या तो वो बी हो सकता है, या तो वो सी हो सकता है, या तो फिर ये यू हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब के जो पहला लेटर है उसके क्या क्या मतलब होते हैं हम पहले जानते हैं। फिर पहला लेटर होता है वो पी होता है, तो उसका मतलब होता है कि कार के अंदर पावर ट्रेन के रिलेटेड कोई भी इशू है। मान लीजिए वो इंजन का इशू हो सकता है, गियर बॉक्स के लगे सेंसरों का इशू हो सकता है, पावर के रिलेटेड जो भी इशू रहेगा वो शो करेगा हमें पी के द्वारा। फर्स्ट लेटर अगर पी रहेगा कोड का, फॉल्ट कोड का, तो वो पी रहेगा तो उस तरह से यह प्रॉब्लम होगा। अगर दोस्तों उसके अंदर फॉल्ट कोड के अंदर पहला लेटर है वो बी शो कर रहा है, उसका मतलब होता है कि कोई बॉडी के रिलेटेड इशू है, जो VCM कार के अंदर रहता है उसके रिलेटेड कोई इशू है। अगर बॉडी में लगे कोई भी सेंसर हो या उसकी कोई भी सिस्टम हो अगर वो फेल हो जाती है तो वो फॉल्ट कोड शो करेगा, उसका स्टार्टिंग का पहला लेटर होगा बी। अगर दोस्तों सी से स्टार्ट होता है तो चेसिस के द्वारा जो फॉल्ट कोड जनरेट होते हैं अर्थिंग के वगैरह, तो इस तरह का जो कोई भी फॉल्ट कोड रहेगा उसका जो पहला लेटर होगा वो होगा सी। पर यू है दोस्तों तो वो क्या होगा कि नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी फॉल्ट कोड कार के अंदर जनरेट होगा तो वो शो करेगा पहला लेटर यू। दोस्तों, जो पहला लेटर होता है वो इस तरह से डिवाइड किया जाता है, या तो पी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या यू हो सकता है। फिर दोस्तों दूसरा लेटर आता है, तो दूसरा लेटर क्या होता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर के द्वारा डिफाइन किया गया एक जेनरेटिक कोड होता है, या तो वो जीरो होगा या फिर वो वन होगा। अगर जेनरिक मेन्यू होया तो वो होगा, जेनरिक फॉल्ट कोड होता है तो वो हमेशा जीरो रहेगा, पर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कोड होगा तो ये हमेशा वन रहेगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से इसका दूसरा लेटर होता है। फिर दोस्तों लास्ट के दो लेटर होते हैं वो कंबाइंड रहते हैं, उसमें क्या होता है ये दोस्तों है वो कार के अंदर स्पेसिफिक फॉल्ट दिखाता है कि इस चीज का ही फॉल्ट है। मान लीजिए 3-1 है हो गया, 0-1 हो गया, पीछे की साइड 0-5 हो सकता है, इस तरह से अलग अलग कोड आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इसे थोड़ा डीपली समझे दोस्तों, उसमें क्या होता है अगर मान लीजिए कि 0-1 कोड दिखा रहा है यहाँ पर, यहाँ 3 है, वहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो उसका मतलब होता है कि यह कोई यहाँ पे हमने देखा है तो यहाँ पे 0-1 देखा ही देगा, उसका मतलब यह फ्यूल से फ्यूल के सिस्टम के रिलेटेड कोई इश्यू है या फिर यह सिस्टम के कोई रिलेटेड इश्यू है। उसका मतलब क्या होता है, अगर दोस्तों अपने कार के अंदर गाड़ी चलती है तो किससे चलती है, फ्यूल सिस्टम, यह फ्यूल सिस्टम पूरा का पूरा रहता है, टैंक रहती है, मोटर रहती है, इंजेक्टर रहते हैं, तो यह पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है। जो इसके रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो भी 0-1 होगा। अगर दोस्तों
एयर के रिलेटेड इश्यू, उसका क्या मतलब है? क्या तो एयर के लिए भी कई सेंसर दिए जाते हैं, जैसे कि मैप सेंसर होता है, इस तरह के अलग अलग छोटे बड़े के सेंसर देखने को हमें मिलते हैं। वो सारे के सेंसर, सारे सेंसर कौन कौन से हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर कुछ दिखाने वाला हूँ वीडियो में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो यह हो गया 01, अगर उसकी जगह यहाँ पे दोस्तों 02 दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है कि वो कार के इंजेक्टर के रिलेटेड है। अगर कार, आप मान लीजिए कि आपकी कार है वो आइडल में अच्छे नहीं चल रही है, कार वाइब्रेशन हो रही है, तो उसका आइडल खराब हो चुका है, तो उसका मतलब है कि इसका रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो 02 में दिखाएगा। वो हो सकता है इंजेक्टर का इश्यू हो सकता है, कोई पावर कट का इश्यू हो सकता है, तो उस तरह से कोई भी इश्यू रहेगा तो वो यहाँ पे इस कोड की मदद से हम जान सकते हैं। फिर दोस्तों आता है इग्निशन सिस्टम। अगर यह 03 लिख दिया जाए, अगर आप स्कैन करते हैं और कार के अंदर 03 देता है, तो वो होता है इग्निशन सिस्टम के रिलेटेड इशू। इग्निशन सिस्टम के अंदर आप जानते हैं कौन कौन सी चीजें आती है, स्पार्क प्लग हो सकता है, इग्निशन कॉइल हो सकती है, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम रहेगा वो 03 के रूप में हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे फॉल्ट कोड रहते हैं कार के अंदर, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। इस तरह से कार के अंदर बहुत सारे कोड रहेंगे, मैं हर एक कोड को आपको समझाऊंगा कि यह कोड आता है तो इसके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है और इसे किस तरह से सोल्व करना है। वैसे भी कोड के मदद से मैं आपको दिखाऊंगा, तो यह कोड आया तो इस कार के अंदर यही प्रॉब्लम है, आपको यही चीज है उसे सोल्व करना है, तो पूरा का पूरा हम जानेंगे। फिर दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इग्निशन सिस्टम के लिए है कि कोड नंबर आता है, इग्निशन कंट्रोल के लिए होता है, स्पीड कंट्रोल के लिए होता है, 6 है और ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, 7 भी ट्रांसमिशन के लिए ही यूज होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये फॉल्ट कोड रहते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि फॉल्ट कोड क्या होते हैं, तो उसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अगर हम कार को चला रहे हैं, कार के अंदर माध्यम से लाइट आ रही है और इंजन कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कोई भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमें डैशबोर्ड पे वो दिखाई देता है, हम कार को स्कैन करेंगे तब जो यह प्रॉब्लम है वो हमें शो करेगा, वो किस रूप में करेगा, कोड के रूप में, तो वो कोड होता है फॉल्ट कोड दोस्तों। पर हमने यह भी जाना कि किस तरह से फॉल्ट कोड है वो बना हुआ होता है, तो उसके जो जो लेटर होते हैं उसके ऊपर हर एक मतलब निकलता है, जैसे पी का मतलब हमने समझा, दूसरा जो लेटर होता है उसका क्या मतलब है वो भी हमने समझा, लास्ट में जो है वो स्पेसिफिक कोड क्या है वो शो करता है। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम दोस्तों पूरी की पूरी स्कार कैनिंग है उसे कवर करने वाले हैं, आप कैसे अच्छी तरह से स्कार कैनिंग कर पाएंगे और इसे अच्छी तरह से सीखेंगे और आप सारे के सारे कार के कोड है उसे क्लियर भी कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।